तालिबान नूं अफगानिस्तान विच महिलावां दी सुरक्षा संबंधी सवाल करन वाली न्यूजीलैंड दी मशहूर पत्रकार शार्लेट बैलिस दे अफगानिस्तान विच फसण नूं मजबूर होण कारण बैलिस दे वकील ने MIQ दे मुखी क्रिस बनी ते लोकां नूं गुमराह करन दे दोष लाए ने। उन्हां दा कहना है कि बैलिस दी एमरजेंसी एलोकेशन दी अर्जी नूं बैलिस दे न्यूजीलैंड पहुंचण दे 14 दिनां दे अंदर विचारिया जाणा सी। उन्हें दस्या कि बैलिस के केस विच उसने एमरजेंसी एलोकेशन लई 24 जनवरी नू MIQ वाउचर अप्लाई कीता सी। उसने 27 जनवरी लई एमरजेंसी एलोकेशन विच था लेनी सी, पर वो 14 दिना दी एमरजेंसी एलोकेशन वाली शर्त पूरी नहीं करती सी। हालांकि MIQ दे मुखी क्रिस बनी दा इस बारे कहना है कि बैलिस दी एमरजेंसी एलोकेशन दी अर्जी नू बैलिस दे न्यूजीलैंड पुज्जण दे 14 दिना दे अंदर विचारिया जाना सी। उन्हें दस्या कि बैलिस दे केस विच उसने एमरजेंसी एलोकेशन लई 24 जनवरी नू MIQ वाउचर अप्लाई कीता सी अते उसने 27 जनवरी लई एमरजेंसी एलोकेशन विच था लेनी सी, पर वो 14 दिना दी एमरजेंसी एलोकेशन वाली शर्त नू पूरा नहीं करती सी। पर बैलिस दे वकील टूडर क्ली दा कहना है कि जेकर फ्लाइटा घट होण तां MIQ विच 14 दिनां तों पहलां ही थां मिल सकदी है। तुहानूं इत्थे दस दईए कि न्यूजीलैंड दी सरकारी एकांतवास विच थां ना मिलण कारण गर्भवती बैलिस तालिबान सरकार कोलों पनाह लैण लई मजबूर हो गई है। हालांकि इह खबरां वी सामणे आ रहीआं ने कि बैलिस नूं किसी तीजे मुल्क ने भी मदद दी पेशकश कीती है। ऐतवार नूं सरकार ते दबाव बनण मगरों सरकार वल्लों बैलिस नूं ईमेल करके कहा गया सी कि ओह एमरजेंसी MIQ लई किसी होर कैटेगरी तहत दोबारा अप्लाई कर सकती है, पर हुण समस्या यह है कि उस दे पति जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स दे फोटोग्राफर ने उन्हां नूं न्यूजीलैंड विच दाखिले लई अलग तो अर्जी देनी पवेगी। ब्यूरो रिपोर्ट NZ पंजाबी न्यूज़।